बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ आकर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी डेली जो भी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। अच्छा जी, सबसे पहले तो जुमा मुबारक, और आज है फ्राइडे। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था सुबह, और मैंने सोचा इसमें अपने बर्थडे गिफ्ट दिखा दिए जाएं। पिछले व्लॉग में मैंने सोचा था कि मैं दिखाऊंगी, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने वीडियो भी आज ही बनाई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस व्लॉग में दिखा दिया जाए। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये रिंग्स थी, और ये रिंग्स मैं काफ़ी टाइम से ढूँढ रही थी लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। तो मनाहल गई थी मरवा पी के साथ मार्केट, और वो ये रिंग्स ढूँढ के लेके आई। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आई, और मैंने बाद में देखा कि इसके अंदर ना एक छोटा सा कार्ड था जिसके ऊपर बना हुआ था कि हाथ में कैसे पहननी है, और एक सीक्वेंस था उनमें जिसके ऊपर ये सारा कुछ था बना हुआ था। तो मुझे तो बहुत पसंद आई ये रिंग्स, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ आपको रैंडम पसंद आ जाती है, लेकिन जब आप दोबारा जाते हैं तो वो आपको नहीं मिलती। तो उसके बाद ये थे बैग्स, ये एक बैग दिया था मनाहिल ने, और ऐसा मेरे पास पहले ब्राउन कलर में था, बट वो ना टूट गया था, उसकी स्ट्रिप टूट गई थी ऊपर से। तो ये उसने दिया था, वो अपने लिए ब्लू कलर का लाई थी, वो भी मैं दिखाना भूल गई हूँ, साथ ही था इसके, वो मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये छोटा क्लच जो है ये मरवा पी ने दिया था, तो इसका मुझे कलर बहुत पसंद आया, एस्थेटिक सा कलर था इसका, लाइट ब्राउन। तो ये जो दो बैग थे जो मुझे बहुत पसंद है, उसके अलावा जो ब्लू बैग था वो भी बहुत प्यारा है इसका, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। उसके अलावा ये लाइट थी जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी, तो ये भी मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी बट मुझे मिली नहीं, तो अब मुझे नज़र आई तो मैंने ऑर्डर कर ली। तो ये लाइट भी बहुत अच्छी थी, और साथ में इसके थे हेलो किटी के मेकअप ब्रश, और वो भी मुझे बहुत पसंद आए थे। तो मनाहिल ने मुझे कहा था कि दराज से ऑर्डर कर लो जो भी करना है, तो मैंने वो ब्रश ऑर्डर किए थे क्योंकि मुझे बहुत पसंद आए थे। और उसके अलावा ये लाइट थी फेरी लाइट, और साथ में ये ब्रश थे हेलो किटी के। और उसके अलावा रीता ने जो इस्लामाबाद से स्टॉलर भेजे थे उनका, वो भी मैंने इसी ब्लॉग में ऐड कर दिया, और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी दिखाए थे। तो उन तीनों स्टॉलर्स का, वो तीन स्टॉलर थे और साथ में दो हिजाब कैप्स थी, उन तीनों स्टॉलर्स का स्टफ़ बहुत अच्छा था, और उसने वहीं से लिए थे जहाँ से वो अपने लिए ऑर्डर करती है। तो स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, और साथ में उनके हिजाब कैप्स थी वो भी बहुत अच्छी थी, और साथ में उसके था ये कार्ड। तो इसी के साथ यहीं पे करूँगी मैं अपने इस छोटे से व्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलूंगी मैं इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।